ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ देखो अजे इन्वेस्टिगेशन बड़ी इनिशियल स्टेज पर आ। ये सब दमन सिंह नाँ का एक व्यक्ति सगा जिहड़ा कि इहदे काफ़ी मुकदमे जिहड़े सीगे इहदी जमीन जायदाद नूं लैके चलते सीगे, इहदे भरावां नाल भी चलते सीगे और होर भी कई इन्ने जिहड़ियां हैगियां कोई शिकायतां वगैरह माल महकमे दे दूजे तीजे ने कई शिकायतां शिकूतां कीतियां सी जिन्हां दीआं तरीकां तरुकां पै रहियां सीगियां। सो उहदे विच जिहड़ा है वह रात करीब कोई 9 बजे 9:30 बजे का वाकया होगा जो इनू गोलियां मार के जो ये पिंड नू जा रहा सी खोखर नू, तो खोखर पिंड थाणा बरीवाले च पैंदा और इहदी हत्या की गई और इन्हां दे जिहड़ी पत्नी सी उहदे स्टेटमेंट्स ते इह परचा दर्ज कर लिया। जिहड़े 6 विचों 3 अक्यूज़ सीगे असीं फड ले आ, फरदर जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन उह चल रही। उत्थे करीब 6 राउंड फायर होए सीगे, बाकी असी उत्थे सर्च वगैरह होर भी कर रहे हैं कि कोई चीज़ सानू जे मिलती है तो उन्हों भी असी जिहड़ा कब्जा पुलिस च लवांगे। इहदे विच जिहड़ा है जी ये जाति दुश्मनी का ही है, कोई आपस के लाग डाड़ दे करके जिहड़ा है इहदा कतल किया गया और जिथों तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो लग रहा यह लसंसी वैपन के नाल ही इहदी हत्या की गई है और वैपन जिहड़ा वा अजे रिकवर होना बाकी आ और 3 अक्यूज़ असीं फड़ लए आ, जल्द ही वैपन भी रिकवर हो जूगा, बाकी दे अक्यूज़ भी फड़े जाणगे। नहीं कई चीज़ां नेशनल स्टेट इन्वेस्टिगेशन अजे हैगी चल रही है पर उन्हूं अजे तक नहीं दस्या जा सकता, अजे उन्हां दी अरैसट पा के असीं रिमांड वगैरह लैणा और रिमांड तो बाद जिहड़ी भी पुछगिछ होगी डिटेल च उहदे च जो आउटकम होगी वो असीं फरदर तुहानूं दस दांगे।